How much fun being all bagged up, यह कहानी शुरू होती है मिया नाम की एक लड़की से जो किसी से बचकर जंगल में भाग रही थी तभी मिया के सामने एक बड़ा सा आदमी आता है और वो मिया के सर को अपने हाथों से क्रश करके उसे जान से मार डालता है इसके बाद में वह आदमी मिया की बॉडी को घर में लेकर जाता है जहां पर वहां अपने भाई क्लाइड के साथ में रहता था और ब्रायन के आने के बाद में क्लाइड उसे मिया के मीट को काट कर लाने को कहता है क्लाइड की बात मानकर वह आदमी मिया की बॉडी के टुकड़े करने लगता है फिर दोनों मिलकर मिया के बॉडी पार्ट्स को पकाकर खा लेते हैं जिसका साफ मतलब था कि दोनों कैनिबल हैं फिर अब हम चार लोगों को देखते हैं जिनके नाम जॉश जॉश की बहन सारा और सारा का बॉयफ्रेंड कोल कोल का एक फ़्रेंड भी था जिसका नाम मैक्स है और ये चारों एक लड़की को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे थे इसका पिता बहुत ही अमीर था तो इसलिए उनका प्लान था कि इसके बदले वे लोग उसके पिता से बहुत सारे पैसे की मांग करेंगे अब रास्ते में वे सभी एक गैस स्टेशन में रुकते हैं और जोश उस गैस स्टेशन के लिए अंदर जाता है जोश गैस स्टेशन के पीछे के दरवाजे से भागने की सोचता है लेकिन वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था तो इसलिए वो वहां से नहीं भागता वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो सारा और जोश से बातें करता है इस बात को लेकर कोल और मैक्स को बहुत ही गुस्सा आता है फिर रास्ते में सभी के बीच में किसी बात को लेकर बहस शुरू होता है और इसी चक्कर में उनकी कार सड़क के बीच में खड़ा हुए एक हिरण से टकरा जाती है सारा जॉश और मैक्स को इस एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं होता है लेकिन इस एक्सीडेंट में वो हिरण कार के आगे का ग्लास को तोड़कर कार के अंदर आ गया था और हिरण का एक सिंह कोल के पेट में घुस गया था इस वजह से कोल को बहुत ही दर्द हो रहा था साथ ही उसका बहुत ही खून निकल रहा था अचानक से वो हिरण जिंदा हो जाता है और दर्द के मारे छटपटा आने लगता है जिससे कि कोल को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था तो इसीलिए वो उस हिरण को गोली मारकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं सभी लोग समझ चुके थे कि अब कोल जिंदा नहीं बचेगा तो इसलिए मैक्स कोल से वो एड्रेस पूछता है जहां पर वे लोग जाने ने वाले थे लेकिन कोल मैक्स को वो एड्रेस नहीं बताता तो इसीलिए मैक्स कोल को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है क्योंकि वैसे भी वो उन सभी लोगों को एड्रेस नहीं बताने वाला था अब उन सभी लोगों के पास में कोई क्लू नहीं था कि वे सभी लोग कहां पर जाएं और क्या करें और ऊपर से उनके पास अब कार भी नहीं थी सारा को कोल की पॉकेट से एक फोन नंबर मिलता ए? लेकिन उन लोगों के पास में फोन नहीं था तो वे लोग किसी को फोन नहीं कर पाते हैं तभी वहां एक आदमी अपनी कार लेकर आता है सारा एलेक्स को झूठ कहती है कि उनकी कार का हिरण से टकराने से एक्सीडेंट हो गया है जिसमें कोल मारा गया उस एक्सीडेंट को देखकर एलेक्स पुलिस को बुलाने वाला था लेकिन अगर पुलिस वहां पर आती तो पुलिस को पता चल जाता कि वे सभी किडनेपर है तो इसलिए मैक्स उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है उस आदमी को बचाने के लिए जोश उसे धक्का देता है लेकिन गोली उस आदमी को लग जाती है वह आदमी किसी तरीके से खुद को संभालता है और अपनी कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है अब उस आदमी को बचाने के लिए जोश और मैक्स के बीच में बहस होती है अब उनके गाड़ी न होने की वजह से उन्हें जंगल के बीच में से आगे निकलना चाहिए नहीं तो वे सभी लोग पकड़े जाएंगे सारा और जोश जंगल के बीच से नहीं जाना चाहते थे लेकिन मैक्स के पास में अब गन थी और वे दोनों अब मैक्स के गुलाम बन चुके थे मैक्स भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं था और एक एक छोटी सी गलती पर वह उन्हें जान से मार सकता था तो इसीलिए वे दोनों मैक्स से कहे मुताबिक कार की डिक्की से उस लड़की को निकालकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन सभी लोगों को क्लाइड बड़ी दूर से देख रहा है वो वहां से फ़ौरन अपने घर पर आ जाता है और अपने भाई ब्रायन को उनके नए शिकार के लिए रेडी होने को कहता है लेकिन तब ब्रायन अपने डॉल के साथ में खेलने में बिज़ी था तो इसीलिए वह कहीं पर जाना नहीं चाहता था तब क्लाइड ब्रायन से प्रॉमिस करता है कि वह उसी डॉल की तरह उस उसे एक लड़की दे देगा तब जाकर ब्रायन उनके शिकार के लिए रेडी होता है और जंजीरों को उठा लेता है दूसरी तरफ हम उस गाड़ी वाले आदमी को देखते हैं जो कि गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया था और इसीलिए वह ज्यादा दूर तक कार भी नहीं चला पा रहा था जिससे कि उसके रास्ते में मौत हो जाती है और तभी वहां पर एक और आदमी आता है वह आदमी उस आदमी की डेड बॉडी को देखकर वह पहले उसके वॉलेट से पैसे निकालकर खुद रख लेता है फिर उसी गैस स्टेशन में जाकर पुलिस को उस आदमी की मौत के बारे में बताता है दूसरी तरफ सारा जोश और मैक्स को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे और उनमें से सिर्फ जोश ही ऐसा था जो कि उस लड़की की देखभाल कर रहा था उन लोगों ने उसके सर पर एक बोरी डालकर रखी हुई थी ताकि वो उनके फेस को नहीं देख पाए और इसलिए चलते चलते वह लड़की कई बार रास्ते में गिर भी रही थी और तब जोश उसे संभालता है ऊपर से उस लड़की के पैर में कांटे भी